एज अ स्टूडेंट, आज हम लोग एग्रीकल्चर का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ओके, जिसमें से सबसे पहला क्या है, राइस। तो देखते हैं राइस। राइस के बारे में बोला गया है, इट इज अ स्पेशल स्टेपल फूड, क्या स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप विच मीन्स ये क्या है, इंडिया में ना सभी तरह के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज, मैक्सिमम जो खाने में अपन खाते हैं वो क्या है, राइस। मैक्सिमम लोग राइस खाते हैं, इसीलिए इसको कौन से फूड के नाम से जाना जाता है, स्टेपल फूड क्रॉप, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये इसका सीजन क्या है, क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, खरीफ। ये कैसा क्रॉप है, खरीफ। और ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। बी केयरफुल, वेस्ट बंगाल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। क्लाइमेट, हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री। फिर रेनफॉल क्या है, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर के ऊपर का रेनफॉल चाहिए इसको। यही सब क्वेश्चन बनता है कि राइस का रेनफॉल क्या है, अबव 100 सेंटीमीटर, किस टेम्परेचर पे, कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन सा सीजन का क्रॉप है। फिर इसका कुछ ग्रोन रीजन है जो क्या बताता है, प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन ऑफ इरीगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड पॉसिबल टू ग्रो। इसमें क्या करते हैं, इरीगेशन का मतलब ही होता है, इरीगेशन का मतलब क्या होता है, पानी छिड़कना। मतलब जो हम लोग का प्लांटेशन क्रॉप है वहाँ पे अपन पानी डालते हैं, और इरीगेशन बहुत सारे सेक्टर से होता है, अपन ट्यूबवेल से कर सकते हैं, पुराने ज़माने में कुआं से निकाल के करते थे, और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ट्यूबवेल पहुँच जा रहा है, हर हर टाइप में पाइप्स की तरह ये लगाकर स्प्रिंकल वाला स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो ये इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब ही यही है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ग्रो राइस, अब क्या बोल रहा है, इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पे कम से कम बारिश होता है वहां पे भी राइस होता है, जैसे कि एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में बारिश कम ही होती है, तो ये लेस रेनफॉल वाला एरिया है जहाँ पे राइस, जहाँ पे भी राइस होता है, और इसका सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, वेस्ट बंगाल। अपन आते हैं सेकंड, वीट। क्या है, वीट। वीट इज अ मेन फूड क्रॉप, क्या है ये, मेन फूड क्रॉप है इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा क्रॉपिंग सीजन है ये, राबी। कौन से क्रॉप में आता है, राबी में। और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ये किस क्लाइमेट में ये होता है, तो कूल ग्रोइंग सीजन। हम लोग जानते हैं, हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़े हैं कि रबी, जो रबी फसल है, रबी क्रॉप है, वो कब सो करता है, सोन होता है, विंटर में, वो भी कब, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो क्या है, वो ठंडा का टाइम है, इसीलिए क्या है, कूल ग्रोइंग सीजन। और उसको काटते कब है, समर में, वो अप्रैल और मई के टाइम में। तो क्या लिखा है देखो, एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिंग, ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए जब वो लास्ट में पक जाए और उसको काटने का टाइम आ जाए, तो ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखो। नेक्स्ट, रेनफॉल, रेनफॉल कितना चाहिए इसको, 50 to 75 सेंटीमीटर्स, ये रेनफॉल चाहिए इसको, इसका कंडीशन है, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से याद रखो। और सॉइल, सॉइल में क्या है, वेल ड्रेन्ड अलूवियल एंड ब्लैक सॉइल, किसका, वेल ड्रेन्ड अलूवियल एंड ब्लैक सॉइल। हम लोग बहुत जल्दी ये सॉइल वाला चैप्टर भी इवन मैप से खत्म करेंगे, जो कि कभी उसके बाद दिक्कत ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, हम लोग के कंट्री में टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है। पहला क्या, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट। और दूसरा क्या है, ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन, ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन। अब क्या है, पहले तो हम लोग को लीडिंग प्रोड्यूसर मिल चुका है, लीडिंग प्रोड्यूसर के बाद अब क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर इसका यूपी है, उसके साथ साथ और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वीट के, वो कौन है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, डन, अपन जा रहे हैं नेक्स्ट, मिलेट पे। मिलेट के बारे में एक बात बोलता है, मिलेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बने पड़े हैं जिसका कोई ये नहीं है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और राबी, ये सब इंपॉर्टेंट मिलेट है ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में ग्रो करते हैं ये तीनों,
जहां पे बाजरा, बाजरा कहां पे मिल जाएगा आपको? राजस्थान के इलाके में। फिर राबी, क्वेश्चन पूछा गया है राबी इज अ टाइप ऑफ व्हाट, तो मिलेट का ऑप्शन होगा वहां पे, या तो मिलेट बना देगा और उसमें ऑप्शन डालेगा राबी, बाजरा, जवार, ठीक है। इन सभी चीजों को याद रखो। बाजरा कहां? बेसिकली राजस्थान के एरिया में मिलता है, ये ग्रोन किया जाता है। इट इज द मेन फीड क्रॉप, क्या है? मेन फीड क्रॉप, क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया, कौन सा? मॉइस्ट एरिया, राजस्थान हो गया, ये सब क्या है? मॉइस्ट एरिया है, विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। अब मॉइस्ट एरिया है जहां पे इरिगेशन का हार्डली नीड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राबी। राबी इज अ क्रॉप, राबी, राबी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोन एज वेल ऑन। अब क्या है राबी? किस किस सॉइल में ग्रो होता है? तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लूमी एंड सोलो ब्लैक सॉइल, इन सभी सॉइल्स के रीजन, सॉइल्स में ये क्या करता है? ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर इसका क्या है? कर्नाटका, तमिलनाडु। डन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइजे पे। माइजे क्या है? इट इज अ फूड क्रॉप, इट इज अ क्रॉप इन विच इज यूज फूड एंड फॉडर बोथ। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ये है क्रॉप है जो फूड और फॉडर दोनों को फॉलो करता है, तो वो क्या है माइजे? क्वेश्चन बनते नहीं है, बन चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को ये थ्योरी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अपन रट के कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोग को बेस पता नहीं और थ्योरी पता नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोगों को ये सब वीडियो को बैक टू बैक देखना होगा ताकि आपके दिमाग में ये चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ रहे हैं क्रॉपिंग सीजन, कौन से क्रॉप में आता है ये माइजे? ये आता है खरीफ क्रॉप में, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर होता है। कौन से सॉइल में ये होता है? ओल्ड अलूवियल सॉइल। और इसके बारे में एक बताया गया है कि सबसे पहली बात, क्रॉपिंग सीजन क्या है? खरीफ, आता तो ये खरीफ में है बट इसको बिहार में, बिहार में इट इज ग्रोन इन रबी सीजन, रबी सीजन में इसको लगाया जाता है बिहार में। वैसे जनरली ये क्या है? खरीफ में आता है। नेक्स्ट मेजर माइजे प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है फिफ्थ, पल्सेस, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, उसका फिफ्थ पॉइंट ये रहा पल्सेस। पल्सेस के बारे में क्या है कि पल्सेस एक लिगुमिनस क्रॉप है। क्या है? लिगुमिनस क्रॉप, उसका मतलब होता है वो अभी हम लोग जानेंगे, बस इतना जान लो अभी लिगुमिनस क्रॉप है। बोल रहा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया पल्सेस का कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट। नेक्स्ट दीज आर द मेजर सोर्स प्रोटीन, दीज आर द पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेशन डाइट। किसमें? वेजिटेशन डाइट में इसका क्या है? मेजर सोर्स है। इसका टेम्परेचर क्या होता है जब ये अपन इसको लगाते हैं? तो 20-30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। सॉइल में क्या करता है? ग्रोन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी सॉइल में ये लग जाता है एग्जैक्टली। फिर भी कुछ जगह पे क्या है? ड्राई सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल, ड्राई सॉइल्स जो है इसके लिए मोस्ट सुटेबल है पल्सेस के लिए। नेक्स्ट मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे कैसे पल्स, जैसे कि तुर, अरहर, उरद और मूंग। तुर, अरहर, तुर मीन्स अरहर, अरहर का दाल, मूंग का दाल, और क्या है उरद का दाल, लाइक इसी तरह हम लोग इसको बोलते हैं। तो तुर, उरद और मूंग, ये कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कौन सा? इन दोनों को कैरेक्टराइज भी कर दिया गया है, ये खरीफ क्रॉप में इसको कैरेक्टराइज कर रहा है। और दूसरा क्या है? मसूर, पीस और ग्राम, जो कहाँ आता है? राबी के अंदर आता है। नेक्स्ट मेजर स्टेट्स ऑफ प्रोडक्शन, पल्सेस का प्रोडक्शन जिन जिन स्टेट्स में होता है वो कौन से हैं? एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ईटीसी। और कुछ बोला जाता है कि पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन अ ड्राई कंडीशन। इन लोगों को नीड जो होता है लेस मॉइस्चर का और सर्वाइव कर जाता है किसमें? इवन इन अ ड्राई कंडीशन। ओके, अब एक सवाल था स्टार्टिंग में ही हमने सुना था, ये क्या? लिगुमिनस क्रॉप। लिगुमिनस क्रॉप क्या होता है? बोल रहा है कि बीइंग लिगुमिनस क्रॉप ऑल द क्रॉप एक्सेप्ट
ऑल द क्रॉप एक्सेप्ट अरहर विच मीन्स तूर अरहर ऑल द क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन द रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. क्या करता है, हम लोग सुने होंगे, ये बहुत अच्छा सवाल भी है कि एक जगह पे एक खेत में बार बार एक ही खेती करने से ना उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसके फर्टिलिटी को फिर से रीगेन करने के लिए हम लोग ये अरहर विच मीन्स तूर तूर की खेती करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से खींच करके नाइट्रोजन का फिक्सिंग कर सके सॉइल में, जो उसको सॉइल को क्या करेगा, फिर से फर्टाइल बनाएगा. दैट्स इट. अपन आते हैं नेक्स्ट इधर वाले सेक्शन में, नॉन फूड क्रॉप फाइबर क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया. तो सबसे पहला क्या है, टी चाय. टी का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, असम. तो सुनते हैं टी टी फॉर इसका रेनफॉल क्या कितना होना चाहिए, 150 टू 250 सेंटीमीटर्स. और ये कौन सा क्रॉप का टाइप है, प्लांटेशन क्रॉप. कौन से क्रॉप में आता है, प्लांटेशन क्रॉप. लीडिंग प्रोड्यूसर क्या, अभी अपने बात किया टी का नाम सुनते हैं असम, तो लीडिंग प्रोड्यूसर इसका क्या है, असम. इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट ये कौन से सॉइल में मतलब कि अच्छा होता है, तो वो क्या है, माउंटेन फर्टाइल सॉइल. फिर अपन इसके दूसरे वाले सेक्शन में चलते हैं टी के बाद, कॉफी. कॉफी में कॉफी क्या है, कॉफी का रेनफॉल कितना है, 150 टू 250 सेंटीमीटर. बोथ आर सेम 150 टू 250 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं है. तो और क्या है, क्रॉप टाइप क्या है, प्लांटेशन क्रॉप. फिर क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका, लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका. टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस. और ये कौन से सॉइल में होना होता है, ये क्या है, माउंटेन फर्टाइल सॉइल. वैसे भी वो सब माउंटेन का एरिया है, माउंटेन ही एरिया. अब अपन आ रहे हैं तुम्हारे रबर पे. रबर क्या है, ये रहा रबर. रबर के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, ये सब ऐसा क्यों लिखा गया पता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, रेनफॉल, फिर से उसके क्रॉप का टाइप क्या है, उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, सॉइल कैसा होगा, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से स्टेट में ये सबसे ज़्यादा ये करता है, प्रोड्यूस होता है, यही सब क्वेश्चन ही बन रहे हैं. इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लैश कार्ड की तरह लाइक ओके. और बाकी रहा सवाल, इन सभी का ये सब पिक और नोट्स मैं अपने टेलीग्राम और इंस्टा हैंडल पर डालूंगा, आप लोग हो सके तो वहाँ आओ और इन सभी को ये करो, ठीक है. नेक्स्ट रबर के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, अबव 200 सेंटीमीटर से ऊपर. क्रॉप टाइप क्या है, कैश क्रॉप. लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है इसका, केरला. रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, केरला. और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस ह्यूमिड. नेक्स्ट सॉइल कैसा होना चाहिए, लिटेराइड सॉइल. फिर से क्या है, कुछ स्टेट और हैं, जैसे लीडिंग प्रोड्यूसर तो केरला हो गया, उसके बाद भी कुछ स्टेट और हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गेरो हिल्स इन मेघालय. अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, ATC. ओके, अब अपन जाएंगे शुगर केन पे, गन्ना, विच मीन्स कहीं कहीं केतारी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. तो शुगर केन के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, 75 to 100 degree 100 centimeters. क्रॉप टाइप क्या है, खरीफ. कौन सा क्रॉप है, खरीफ. लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, यूपी इसका सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है. और टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. और सॉइल कैसा चाहिए इसको, वेराइटी ऑफ सॉइल चाहिए, जैसे कि अलोवियल और ब्लैक सॉइल, ठीक है. नेक्स्ट जूट. अब अपन आ रहे हैं जूट पे. जूट को अदर वर्ड में गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, इससे क्वेश्चन बन चुका है, आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा अगर जूट से क्वेश्चन बन रहा है तो. जूट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है. इसके लिए रेनफॉल क्या होता है, हाई रेनफॉल चाहिए इसको. क्रॉप टाइप क्या है, खरीफ. लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, वेस्ट बंगाल. जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल. फिर से टेम्परेचर क्या है, हाई चाहिए इसको. सॉइल कैसा चाहिए इसको, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन्स. वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन. अब इसका दूसरा लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट को छोड़ के और बाकी सारे किस किस स्टेट में होता है, तो जैसे बिहार, उड़ीसा, मेघालय, ETC. अब अपन आएंगे कॉटन. कॉटन का नाम सुनते ही हम लोग को कॉटन के बाद दिमाग में एक ही जगह आता है, गुजरात. तो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात. रेनफॉल इसको कितना चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए. क्रॉप टाइप क्या है, खरीफ. लीडिंग प्रोड्यूसर क्या, अभी मैंने बताया गुजरात. लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात.
टेम्परेचर क्या चाहिए इसे, हाई प्लस 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. नेक्स्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल. स्टेट्स क्या है, अब लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट को छोड़ के बाकी और कितने स्टेट हैं जहां पे कॉटन का खेती होता है, तो वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका, इटीसी. अभी हम लोग पूरे एग्रीकल्चर को रैप कर चुके हैं. अब हम लोग जाएंगे इसके, मैं मुझे लगता है कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर.